सीवी लेकर जाता हूँ तो मुझे चैनल के दफ्तर में नहीं घुसने देते। मेरा दुख ये था कि यार अच्छा भाई मुझे मुझे जॉब ना दो, ऑडिशन हाँ। तो ले लो यार, तो ऑडिशन हाँ। में ही ले लेता। तो मैं बहुत जगहों पे सीवी देने गया था, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था, निकाल दिया था एक साहब। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बड़े गुस्से में उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि मियां ऐसे होते हैं जॉब ना। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते इसलिए, इसलिए छोड़ दो ये काम, अपना वक्त जाएगा। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये फेलियर बाजार में फेलियर लग रहा था, मैं सबसे डिस्कस करूं। होठ ये जरा सिले खामोशी के सिलसिले, रात थोड़ी गहरी है सहर आने दो। तो मुझे ये याद है कि जब उस चैनल से उतर के मैं आई चंद्रीगढ़ रोड पे बस में बैठ के वापस टावर जा रहा था, खा रहा था, मैंने एक एक आवाज अपने आप से किया हाँ। कि यार सी बदामी 5 साल है तुम्हारे, मेहनत करके जान मार के इस फील्ड में आना है। तुझ में ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा है, वक्त की ये बातें हैं इसे गुजर जाने दो। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है हाँ। उसमें रटी नहीं मारी तो आपको जल्द या बदेर उसका रिवॉर्ड मिल ही जाता है। तो इसलिए आपका मामला उस जात के साथ होता है कि जो किसी का उधार रखता नहीं है।